रूस यूक्रेन जंग में पुतिन ने जो अभी तक नहीं किया, पुतिन की फौज वो अब करने जा रही है। क्या यूक्रेन में अब रूस की फौज 815 किलोमीटर इलाके में भयानक हमले करने जा रही है? क्या डॉनबास क्षेत्र पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए पुतिन ने अपना कमांडर बदल दिया है? क्या डोनेस, लोहान, ज़ापोरेज़िया और खेरसोन इलाके पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए पुतिन ने 4 जनरलों को युद्ध में उतार दिया है? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि पुतिन ने जिस जनरल को युद्ध जीतने का मिशन दिया है वो जनरल हमेशा खामोश रहता है? आखिर कौन है पुतिन का जनरल खामोश? रूस यूक्रेन जंग को 11 महीने होने जा रहे हैं। यूक्रेन के दावों के मुताबिक रूस अब तक यूक्रेन पर 10,000 से ज्यादा छोटी और बड़ी मिसाइलें दाग चुका है। इन हमलों की वजह से यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 13 शहर खंडहर में बदल चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन में इतनी भयानक तबाही होने के बावजूद अभी तक पुतिन जंग नहीं जीत पाए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर रूस की फौज के सामने बिद्दी सा देखने वाला यूक्रेन रूस को जंग में इतना प्रचंड मुकाबला कैसे दे रहा है? इसका सीधा सा जवाब है, रूस ने यूक्रेन को कमजोर समझकर जो हमला 24 फरवरी 2022 को किया था वो पुतिन की बहुत बड़ी सैन्य चूक थी। पुतिन को भी अंदाजा नहीं था कि अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो के 30 देश इतने व्यापक पैमाने पर यूक्रेन को घातक मिसाइलें, टैंक, तोप, ड्रोन्स और रॉकेट आर्मी दे देंगे। यही वजह है कि यूक्रेन रूस को हर मोर्चे पर जबरदस्त टक्कर दे रहा है। ऐसे हालात में अब पुतिन ने लगभग 11 महीने बाद एक ऐसा मिलिट्री दांव खेला है जो पूरे यूक्रेन को कब्रिस्तान बना देगा। पुतिन ने अब जंग में एक साथ 4 जनरलों को झोंक दिया है। रूस ने अपने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को युद्ध के मैदान में उतार दिया है। रूस ने जनरल वालेरी गेरासिमो को यूक्रेन मिशन में लगी सभी रूसी फौजों का नया चीफ या कहें कि कमांडर बनाया है। रूस के लड़ाकू मिशन पर अब पूरी तरह से जनरल वालेरी गेरासिमो का कंट्रोल रहेगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने जनरल वालेरी गेरासिमो को यूक्रेन युद्ध का कमांडर बनाकर इस जंग को बेहद बेरहम और खौफनाक बना दिया है। С учетом проводимых мероприятий по наращиванию боевых возможностей группировок войск, обстановка на линии фронта стабилизирована. Основные усилия наших войск сосредоточены на завершении освобождения территории Донецкой Народной Республики. जनरल वालेरी गेरासिमोव पुतिन के सबसे करीबी बताए जाते हैं और उनसे पहले जनरल सर्गेई सुरोवकिन पुतिन के स्पेशल ऑपरेशन के कमांडर थे। लेकिन जंग में मन मुताबिक नतीजे ना मिलने की वजह से गुस्साए पुतिन ने एक बड़ा फैसला कर लिया और ये फैसला है कि सर्गेई सुरोविकिन को हटाकर वालेरी को कमान दे दी जाए। माना जा रहा है कि अब महायुद्ध में रूस और भयानक तरीके से उतरेगा ताकि हर हाल में जंग को जीता जा सके। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ऑपरेशन कमांड स्तर को बेहद सटीक और घातक तरीके से अंजाम दिया जा सके। जनरल वालेरी गेरासिमो से पहले जनरल सर्गेई सुरोवकिन पुतिन के स्पेशल ऑपरेशन के कमांडर थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जनरल सर्गेई सुरोवकिन को रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने 3 महीने बाद ही यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन के कमांडर की जिम्मेदारी से हटा दिया है। इसे जनरल सर्गेई सुरोवकिन के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। मीडिया में जो प्रोपेगेंडा खबरें फैलाई जा रही हैं, उसके मुताबिक जनरल सर्गेई सुरोवकिन को इसलिए स्पेशल ऑपरेशन के कमांडर की जिम्मेदारी से हटाया गया है क्योंकि पिछले दिनों मकीवका शहर में यूक्रेन के भीषण हमले में 89 रूसी सैनिक मारे गए थे। हालांकि यूक्रेन दावा करता है कि मकीवका में 400 रूसी सैनिक मारे गए थे। रूसी सैनिकों का इस तरह से मारे जाने की सारी जिम्मेदारी जनरल सर्गेई सुरोवकिन पर डाली गई है और इसीलिए अक्टूबर 2022 के 3 महीने बाद अब जनरल सर्गेई सुरोवकिन को स्पेशल ऑपरेशंस के कमांडर की जिम्मेदारी से हटा दिया गया है। इस खबर
खबर को पश्चिमी मीडिया जमकर उछाल रहा है, लेकिन जानकारों के मुताबिक पुतिन ने जनरल वालेरी गेरासिमो को स्पेशल ऑपरेशन का कमांडर क्यों बनाया है और जनरल सर्गेई सुरोविकिन को उनका डिप्टी कमांडर क्यों बनाया गया है, इसके पीछे एक भीषण हमले की प्लानिंग है जिसके नतीजे फरवरी 2023 में देखने को मिलेंगे। पहले आप ये समझिए कि पुतिन का यूक्रेन में ऑपरेशन खामोश खोपड़ी है क्या। यूक्रेन में रूस के स्पेशल ऑपरेशन का कमांडर जनरल वालेरी गेरासिमो को बनाया गया है। पश्चिमी देशों में जनरल वालेरी गेरासिमो को रूसी हाइब्रिड वॉरफेयर का मास्टरमाइंड माना जाता है। राष्ट्रपति पुतिन ने अब कमांडर जनरल वालेरी गेरासिमो को यूक्रेन में जंग जीतने की जिम्मेदारी दी है। कमांडर जनरल वालेरी गेरासिमो को पहले डिप्टी कमांडर जनरल सर्गेई सुरोविकिन दिए गए हैं, जो यूक्रेन में ड्रोन हमलों को देखेंगे, यूक्रेन के चुनिंदा टारगेट्स को तबाह करेंगे। वहीं जनरल ओलेग सालियुको को ग्राउंड फोर्सेस का डिप्टी कमांडर बनाया गया है, जो टैंक, तोप, रॉकेट आर्मी और पैदल सेना से यूक्रेन पर घातक हमले करेंगे, जबकि जनरल एलेक्सी केम यूक्रेन युद्ध में उन टारगेट्स पर नजर रखेंगे जो यूक्रेन के खुफिया मिशन का सफाया कर। पुतिन ने रूस के स्पेशल ऑपरेशंस का कमांडर जनरल वालेरी गेरासिमो को बनाकर बहुत बड़ा दांव खेला है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन अब किसी भी हाल में युद्ध को और लंबा नहीं खींचना चाहते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि पुतिन के नए जनरल युद्ध में अपनी पूरी ताकत झोंकने वाले हैं, लिहाजा यूक्रेन युद्ध और खतरनाक होने वाला है। रूसी रक्षा मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि यूक्रेन में चल रहे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में लीडरशिप लेवल को बढ़ा दिया गया है ताकि युद्ध के स्केल को विस्तार दिया जा सके। रूसी रक्षा मंत्रालय के बयान से साफ जाहिर हो रहा है कि युद्ध और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। В рамках операции высокоточными ракетами большой дальности поражено более 1300 критически важных объектов. Это позволило существенно снизить боевой потенциал украинских вооруженных сил, нарушить систему управления войсками, парализовать работу военно-промышленного комплекса, значительно затруднить военные перевозки. अब इस रूस यूक्रेन जंग में पुतिन ने अपना कमांडर बदला है और ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अब कयामत आने वाली है, क्योंकि पुतिन के स्पेशल ऑपरेशन के नए कमांडर वालेरी को खामोश खोपड़ी के नाम से भी जाना जाता है। दावा किया जाता है कि वालेरी हमेशा खामोशी से ही अपने हर मिशन को अंजाम देते आए हैं और ऐसे में अब रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ज़ेलेंस्की की मुश्किल और बढ़ सकती है। माना यह भी जा रहा है कि अब रूस यूक्रेन युद्ध निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ने लगा है, क्योंकि वालेरी अब एक नई रणनीति के साथ इस युद्ध में उतर सकते हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि पुतिन के स्पेशल ऑपरेशंस के नए कमांडर जनरल वालेरी गेरासिमो को खामोश खोपड़ी क्यों कहते हैं। असल में जनरल वालेरी गेरासिमो के बारे में दावा किया जाता है कि वो कहीं भी हंसते नहीं हैं। उनका चेहरा पत्थर की तरह सख्त और क्रूर है। कठोर चेहरे वाले जनरल वालेरी गेरासिमो के बारे में ये भी दावा किया जाता है कि वो हमेशा अपने मिशन बेहद खामोशी के साथ अंजाम देते हैं। इसीलिए अब डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं ज़ेलेंस्की के यूक्रेन की अब खैर नहीं है, क्योंकि जनरल वालेरी गेरासिमो अपने 3 डिप्टी कमांडरों के साथ यूक्रेन पर भीषण हमले करने जा रहे हैं ताकि पुतिन के मुताबिक जंग को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। जनरल वालेरी गेरासिमो यूक्रेन के डॉनबास क्षेत्र पर सबसे तीखे हमले करने जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की को भी अच्छी तरह से पता है कि अगर यूक्रेन के हाथ से डॉनबास निकल गया तो फिर यूक्रेन जंग में बुरी तरह से हार जाएगा। Під час чергового російського обстрілу Херсону сьогодні снаряд поцілив в пункт допомоги Червоного Хреста. Загинула жінка, парамедик, волонтерка. Мої співчуття рідним. Лише від початку цієї доби Росія вже більше 16 разів обстріляла Херсон. Лише за один день. І так щодня. Сьогодні знову обстрілювались громади Харківської області. Сьогодні на Донбасі. जनरल वालेरी गेरासिमो को हाइब्रिड वार का उस्ताद माना जाता है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जनरल वालेरी गेरासिमो अपने 3 डिप्टी कमांडर्स के साथ बेहद बेरहम हमले करने जा रहे हैं। जनरल वालेरी गेरासिमो यूक्रेन पर 3 तरफ से हमला करने जा रहे हैं।
पहला कीव की तरफ से रूस की रॉकेट आर्मी आग भोगलेगी, दूसरा दक्षिणी यूक्रेन की तरफ से रूस के टैंक, तोप और पैदल सेना यूक्रेन को रौंदते हुए आगे बढ़ेंगे, जबकि जनरल वालेरी गेरासिमोव तीसरा हमला बेलारूस की तरफ करेंगे, जिसमें रूस के 10,000 सैनिक बेलारूस की 60,000 फौज के साथ मिलकर यूक्रेन पर हमला करेंगे। जनरल वालेरी गेरासिमोव का ये जंगी फॉर्मूला यूक्रेन पर बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसे हालात में नेटो और अमेरिका भी यूक्रेन को बचा नहीं पाएंगे। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तरफ रूस फौज यूक्रेन से सटी 851 किलोमीटर सरहद की तरफ से हमला करेगी, तो वहीं यूक्रेन की बेलारूस के साथ 1,084 किलोमीटर लंबी सीमा लगी हुई है। अगर यहां से भी रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर हमला किया तो फिर यूक्रेन पर सीधे बेलारूस से किंजल मिसाइलें आकर हमला करेगी। यानी जनरल वालेरी गेरासिमोव ने भीषण युद्ध से लेकर परमाणु जंग तक की तैयारी कर ली है। खास तौर से किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर जनरल वालेरी गेरासिमोव बेहद जोश में है, जो यूक्रेन में पुतिन के मिशन को पूरा कर सकती है। Впервые в боевых условиях применено гиперзвуковое оружие. Авиационный ракетный комплекс «Кинжал» показал высокую эффективность и неуязвимость по отношению к системам противовоздушной обороны, развернутым на Украине. यूक्रेन के दावों के मुताबिक रूस यूक्रेन पर अब तक 10,000 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुका है, लेकिन उसके बावजूद रूस यूक्रेन को हरा नहीं पाया है। हालांकि बखमुत और बखमुत से 15 किलोमीटर दूर सोलेदार में रूस की फौज ने भारी तबाही मचाई है, लेकिन अभी भी इन इलाकों में रूसी सेना का कब्जा पूरी तरह से नहीं हो पाया है। पुतिन इसी को लेकर परेशान है। इसके अलावा लगभग 11 महीने की जंग में रूस के 1,10,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि रूस के 10 जनरल, 840 अफसर समेत 1,600 रूसी अफसर अब तक यूक्रेन की सेना के हाथों मारे जा चुके हैं। ऐसे में पुतिन के लिए यह बहुत जरूरी हो गया है कि अब युद्ध को पूरी ताकत के साथ कम वक्त बिना भारी नुकसान के साथ जल्द से जल्द जीता जाए, और इसीलिए अब स्पेशल ऑपरेशन के कमांडर जनरल वालेरी गेरासिमोव को जिम्मेदारी दी गई है कि वो डोनेस, लुहांस, ज़ापोरिज़्या और खेरसोन इलाके पर पूरी तरह से कब्जा करें। हालांकि रूस के लिए ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि यूक्रेनी सेना की आड़ में अब नेटो भी जंग में कूद पड़ा है, जिसका दावा खुद रूस कर चुका है। В интересах ВСУ работает более 500 космических аппаратов США и НАТО. Из них свыше 70 военные, остальные двойного назначения. 321 दिन के जंग के बाद भी जेलेंस्की का यूक्रेन रूस से कैसे प्रचंड मुकाबला कर रहा है, ये रूस के लिए एक जंगी पहेली बन चुका है। इस पहेली को रूस जितना समझने की कोशिश करता है, उतने ही घातक हमले रूस की सेना पर यूक्रेन की फौज कर रही है। इस वक्त यूक्रेन रूसी फौज के खिलाफ टारगेट किलिंग का मिशन चलाए हुए है। पहले यूक्रेन रूस के हमले से खुद का बचाव करता था, लेकिन जब से यूक्रेन को अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो के 30 देशों से घातक ड्रोन, मिसाइलें, तोप, टैंक और भारी हथियार मिले हैं, तब से रूस के लिए यूक्रेन को हराना बेहद मुश्किल हो रहा है। यूक्रेन की सेना भी अपनी जीत के दावे कर रही है। Протягом минулої доби окупанти завдали 4 ракетних по цивільних об'єктах міст Лиман та Часів'яр Донецької області та 23 авіаційних удари. Окрім того, здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню в інших локаціях. Існує небезпека авіаційних та ракетних ударів на всій території України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Кремінна на Луганщині та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Парасковівка, Підгород. डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक असल में रूस की 2,00,000 फौज पहले से ही यूक्रेन में जंग कर रही है, जबकि 3,00,000 नई फौज फरवरी में यूक्रेन के कीव समेत 13 शहरों पर हमला करने की तैयारी कर चुकी है, जबकि 5,00,000 रूसी फौज को तैयार रखा गया है, ताकि यूक्रेन पर आखिरी वॉर करते समय जमीन पर पैदल सेना, टैंक और तोप के हमले में कमी ना रह जाए। यानी आने वाले 30 से 60 दिनों में रूस की फौज को एक ऐसे कमांडर की जरूरत थी जो यूक्रेन पर होने वाले भयानक और विशाल हमले की कमांड को सही तरह से कंट्रोल कर सके। इसीलिए पुतिन ने जनरल वालेरी गेरासिमोव को स्पेशल ऑपरेशन का कमांडर बनाया है। अब देखना होगा कि आने वाले हफ्तों में खामोश खोपड़ी जनरल वालेरी गेरासिमोव क्या कमाल करके दिखा पाते हैं। तो रूस यूक्रेन के बीच
जंग जितनी लंबी होती जा रही है, ये जंग उतनी ही खूंखार होती चली जा रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने अब यह दावा किया है कि गुरुवार को यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया गया। रूस ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में 200 से ज्यादा सैनिक मार गिराए जाने का दावा किया है। यूक्रेन की जंग में गेम चेंजर कहे जा रहे हाईमार्स मिसाइलों को भी रूस ने हवा में ही मार गिराने का दावा किया है। आपको ये भी बता दें कि कई महीनों की कोशिश के बाद रूस ने एक ऐसा एयर डिफेंस सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो कि हाईमार्स मिसाइलों को 100% हवा में ही मार सकता है। जंग में यूक्रेन की फौज के जोरदार पलटवार से बौखलाई रूस की सेना अब ज्यादा आक्रामक, ज्यादा खूंखार और ज्यादा क्रूर हो चुकी है। अब रूस के सैनिक यूक्रेन के सैनिकों को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। बंदी बनाने का मौका मिलने के बाद भी वो उन्हें गोली मारते रहे हैं। एक दिन पहले न्यूज 18 इंडिया ने आपको दिखाया था कि कैसे रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के सैनिकों को गन पॉइंट पर लेकर गोली मार दी। इस बीच रूस ने दावा किया कि डोनेट्स और क्रास्नोलिमांस्क के क्षेत्र में हुए भीषण युद्ध में यूक्रेन के 200 से ज्यादा सैनिक मार गिराए गए हैं। रूस ने यह भी दावा किया कि यूक्रेन को विदेशों से मिले सैन्य उपकरणों को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि उपयांस इलाके में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर भारी बमबारी की गई, जिसमें यूक्रेन के 30 सैनिक मार गिराए गए। साथ ही 2 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन और 3 ट्रक तबाह हो गए। जबकि क्रास्नोलिमांस के इलाके में यूक्रेन के 100 से ज्यादा मिलिट्री यूनिट, 4 AFV और 3 सैन्य वाहनों को बर्बाद कर दिया गया। वहीं डोनेट्स में यूक्रेन के 70 सैनिक, 30 मिलिट्री यूनिट, 1 टैंक, 3 AFV, 2 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन और 7 वाहनों को निशाना बनाए गए। जबकि खार्किव इलाके में 3 MLRS लड़ाकू वाहनों को नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा रूस ने दावा किया कि गुरुवार को यूक्रेन के 2 आर्टिलरी सिस्टम M777 और M109 पलाडिन, 2 ऑटोमेटिक हॉविट्जर, 2 SI गोविज का SU-25 विमान, 5 UAV के साथ साथ TMLR हिमार्स और एल्टर मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुँचने से पहले ही मार गिराया गया। युद्ध के पहले दिन से ही जेलेंस्की ने एक ठोस रणनीति अपनाई है जो यूक्रेन के सैनिकों को मनोबल बढ़ाने में काफी अहम साबित हुई। अब तक 11 महीने के युद्ध में यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से हर दिन रूस की सेना को नुकसान के आंकड़े जारी किए जाते हैं, जिससे रूस के सैनिकों का मनोबल कमजोर पड़े। शायद इस बात को समझने में रूस को 11 महीने लग गए। इसीलिए अब रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से भी यूक्रेन आर्मी को हुए नुकसान के आंकड़े जारी करने की शुरुआत हो चुकी है। जाहिर है कि इससे जंग लड़ रही रूस के सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा। और अब बात उस खबर की करते हैं जिससे पुतिन के कैंप में हड़कंप मचा हुआ है। यूक्रेन के सोलिदार में चल रहे भीषण जंग को लेकर के दावा किया जा रहा है कि पुतिन और उनकी प्राइवेट आर्मी के चीफ में अनबन हो चुकी है। कहा यह भी जा रहा है कि पुतिन का वैगनर बागी हो गया है। क्या सच में वैगनर ग्रुप के चीफ और पुतिन के बीच फूट पड़ गई है? सवाल यह भी कि सोलिदार की सुरंग में परमाणु बंकर होने की बात आखिर कही क्यों जा रही है? सोलिदार में भस्मासुर अब तक के कितना हिस्सा खाक में मिला चुके हैं, ये हम इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। सोलिदार की छान वीडियो नंबर 1। सोलिदार की जंग वीडियो नंबर 2। सोलिदार की जंग वीडियो नंबर 3। सोलिदार की जंग वीडियो नंबर 4। सोलिदार की जंग वीडियो नंबर 5। सोलिदार की जंग ने रूस के अंदरूनी लड़ाई को जग जाहिर कर दिया है।
दावा किया जा रहा है कि पुतिन का पालतू कहा जाने वाला वैगनर ग्रुप का प्रमुख अब पुतिन से बागी हो गया है। तो क्या रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है? वैगनर ग्रुप अब पुतिन के नियंत्रण से बाहर निकल गया है। इंटरनेशनल मीडिया में इस खबर को लेकर तमाम दावे पेश किए जा रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में रूस के खेमे में कितने पावर सेंटर बन गए हैं? क्या अभी भी जंग की डोर अकेले पुतिन के हाथों में है? क्या वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी पेरोगिन ने नया पावर सेंटर बना लिया है? क्या वैगनर ग्रुप पुतिन के कंट्रोल से बाहर हो गया है? पुतिन और पेरोगिन के अलावा युद्ध में तीसरे पावर सेंटर के बनने की बात कितनी सच है, जिसे चेचन चीफ रमजान कादिरोव हेड कर रहा है? ऐसे सवाल क्यों ही नहीं खड़े हो गए? सोलेदार की लड़ाई पर रूस की सेना ने अलग दावा किया है और वैगनर चीफ ने अलग। एक ही जंग पर रूस के दो खेमे के दो अलग अलग बयान सामने आए हैं। सोलेदार पर कब्जे को लेकर वैगनर चीफ येवगेनी पेरोगिन और रूस के प्रवक्ता के दावे में 180 डिग्री का फासला साफ साफ नजर आता है। येवगेनी पेरोगिन ने दावा किया कि अकेले वैगनर के लड़ाकों ने सोलेदार पर कब्जा कर लिया है, जबकि रूस की सेना के प्रवक्ता ने दावा किया कि सोलेदार शहर के लिए लड़ाई अभी भी जारी है। जाहिर है दोनों दावे एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा है। воздушно-десантных войск блокировали Солидар северной и южной частей города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе. वैगनर चीफ येवगेनी पेरोगिन खुद अपने लड़ाकों की हौसला अफजाई के लिए सोलेदार के नमक खदान में पहुंचा और उन्हीं सुरंगों से सोलेदार पर कब्जा होने का दावा किया, वो भी रूस की सेना की मदद के बगैर। येवगेनी पेरोगिन ने दावा किया कि अकेले वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन के सैनिकों से लड़कर सोलेदार के पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया है। А внизу они стоят или нет? Внизу, конечно. Ну, пошли, может, до них и дойдем, да? Есть письмо. ये वीडियो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वैगनर ग्रुप का प्रमुख येवगेनी पेरोगिन ने न सिर्फ सोलेदार का दौरा किया है, बल्कि वहां पहुंचकर अपने लड़ाकों के हौसले भी बढ़ाए हैं। वैगनर ग्रुप ने अपने आका की सीक्रेट दौरे की कई तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीर नंबर एक, तस्वीर नंबर दो, तस्वीर नंबर तीन। यूक्रेन का सोलेदार शहर बखमुत से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। सोलेदार यूक्रेन का एक बड़ा शहरी इलाका है। बखमुत के बाद सोलेदार पर कब्जे की लड़ाई को रूस हर हाल में जीतना चाहता है। सोलेदार की जंग, वीडियो नंबर एक। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से तबाही का दौर लगातार जारी है और 24 नवंबर को युद्ध के 11 महीने बीत जाएंगे, लेकिन इस युद्ध का अंत अब भी नजर नहीं आ रहा है। यूक्रेन ने रूस को बड़े नुकसान का दावा किया है। हम आपको आंकड़े दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिर इस पूरे युद्ध में कितने सैनिक मारे गए, कितने तोपों का इस्तेमाल हुआ। तो अब तक कम से कम ये जो आंकड़ा सामने निकल कर आया है वो यही है कि 113,390 सैनिक इस जंग में मारे गए हैं। लेकिन इसके अलावा जिस तरह से एक दूसरे पर हमले लगातार जारी हैं, दावा यह भी किया जा रहा है कि रूस को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया गया और 3,094 टैंक उसके तबाह कर दिए गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर सैनिक गाड़ी की हम बात करें तो यूक्रेन ये कह रहा है कि उसने रूस की अब तक 6,159 सैनिक गाड़ियों को तबाह किया। और यहाँ 2,082 आर्टिलरी ऐसी हैं जो रूस की नष्ट यूक्रेन द्वारा की गई है, यूक्रेन का दावा है। इसके अलावा कुछ और नुकसान का बड़ा दावा किया गया, जिसमें बताया गया कि 395 रॉकेट सिस्टम भी तबाह कर दिए गए। बिल्कुल, और फाइटर जेट की अगर हम बात करें तो वो ये यूक्रेन कह रहा है कि 285 ऐसे फाइटर जेट हैं रूस के जो अब तक इस जंग में यूक्रेन ने तबाह किए हैं। हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हुआ, रूस के पास अच्छे खासे हेलीकॉप्टर की संख्या थी, लेकिन उसमें से 276 ऐसे हैं यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने तबाह कर दिए। दरअसल इस तरह के आंकड़े दिखाकर ये बताने की कोशिश हो रही है कि रूस भले ही बड़ा देश हो, लेकिन छोटे से देश ने किस तरह से नुकसान पहुंचाया और 17 जंगी जहाज भी रूस के उसने तबाह कर दिए। लेकिन वहीं इस बीच एक और बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। रूस की ओर से दावा किया गया है कि पश्चिमी मीडिया में प्रोपेगेंडा के तहत रूस की सेना के पुतिन के खिलाफ बागी होने की बात फैलाई जा रही है। इतना ही नहीं, पश्चिमी मीडिया की ओर से अपने दावे को सही साबित करने के लिए बकायदा वीडियो तक
जारी कर दी है। हालांकि इन सब दावों के बीच युद्ध में रूस की सेना का रौद्र रूप देखने को मिला है अब तक, और पुतिन की पलटन अब यूक्रेन में जमकर तबाही भी मचाने लगी। सोलेदार को लेकर यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि एक ही मिसाइल हमले में 100 से अधिक रूस के सैनिक मारे गए। इस वीडियो को जारी कर यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने ड्रोन की मदद से रूस के सैनिकों की लोकेशन ट्रेस कर टोच का मिसाइल दागकर एक ही हमले में 100 से अधिक रूस के सैनिकों को खत्म कर दिया है। सोलेदार पर रूस हर हाल में कब्जा करने में लगा है। वहीं यूक्रेन रूस के साथ साथ वैगनर के सैनिकों को पीछे खदेड़ने में लगा है, लेकिन सोलेदार पर नियंत्रण को लेकर किए गए अलग अलग दावों ने बड़े सवाल को जन्म दे दिया है। क्या पुतिन और वैगनर ग्रुप के बीच सब ठीक नहीं चल रहा है? पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट सुपर वायरल है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्राइवेट आर्मी के नाम से कुख्यात वैगनर ग्रुप में फूट पड़ गई। बड़ा सवाल कि इस फूट से चीन का भरोसा टूट जाएगा, इस दरार से चीन की दीवार दरक जाएगी, इस धोखे से क्रेमलिन में कोहराम मच जाएगा, इस विद्रोह से पुतिन का गुस्सा हाई हो जाएगा। जनरलного штаба. Ты пидор, и чёрт ёбаный. Да больше воевать, у нас нет снарядов. Там парни гибнут за нас. इस कलह से कादिरव का कॉन्फिडेंस डोल जाएगा। बगावत का वीडियो नंबर एक। начальнику генерального штаба. Ты пидор, и чёрт ёбаный. बगावत का वीडियो नंबर दो। रूस का दावा है कि इससे पहले भी पश्चिमी मीडिया रूस की सेना का पुतिन के खिलाफ बागी होने का दावा कर चुका है, अपने प्रोपेगेंडा को सही साबित करने के लिए वीडियो भी जारी कर चुका है, लेकिन सारा दावा धरा का धरा रह गया। पुतिन की सेना यूक्रेन युद्ध में कोहराम मचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और ना ही आगे छोड़ने वाली है। लेकिन पुतिन और वैगनर ग्रुप में के दावे को तब और बल मिलता है जब अमेरिका की संस्था इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की एक रिपोर्ट सामने आती है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस के येवगेनी पेरोव्स्की पुतिन के वॉर ऑर्डर को हथियार बनाकर पुतिन और वैगनर ग्रुप में दरार पैदा कर रहे हैं। येवगेनी वही शख्स है जिन्होंने वैगनर ग्रुप को खड़ा करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। वैगनर ग्रुप को हमेशा से ही पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है। इतना ही नहीं, येवगेनी पुतिन के इतने करीब रहे हैं कि उन्हें पुतिन का शेफ भी कहा जाता है। क्या दुश्मन देश पर टूट पड़ने वाली पुतिन की प्राइवेट आर्मी अब पुतिन के बदले येवगेनी के इशारे पर आगे की रणनीति तय करने वाली है, वो भी ऐसे वक्त में जब यूक्रेन युद्ध सर्दी के मौसम में 180 डिग्री घूम गया है? ऐसे नाजुक मोड़ पर वैगनर ग्रुप पुतिन का साथ छोड़ देगा? इसे रूस ने यकीन से परे करार दिया है, क्योंकि यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में इनकी मौजूदगी के सबूत ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी थी। यूक्रेन युद्ध के शुरू होने से पहले ही पुतिन ने वैगनर ग्रुप को यूक्रेन बॉर्डर तक पहुंचने के ऑर्डर पर साइन कर दिया था। यूक्रेन युद्ध के पहले वैगनर ग्रुप अफ्रीका में तैनात था। पुतिन के एक इशारे पर वैगनर ग्रुप अफ्रीका से यूक्रेन सीमा की ओर चल पड़ा, और 24 फरवरी को जब रूस ने तीन तरफ से यूक्रेन पर हमला किया तो पुतिन की प्राइवेट आर्मी भी उसमें शामिल रही। बेलारूस के रास्ते रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया। हमले में रूस की सेना के साथ साथ चेचन के लड़ाके और वैगनर ग्रुप भी शामिल हुआ था। बेलारूस से कीव की तरफ आगे बढ़ी रूस की सेना ने होस्तोमल एयरपोर्ट पर भी भारी तबाही मचाई थी। होस्तोमल एयरपोर्ट को रेड आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन कब्जा जमाने के लिए कितनी भीषण जंग हुई है इसका आफ्टर इफेक्ट युद्ध के बाद आई तस्वीरों में देखा था। वैगनर ग्रुप को रूस की सेना ने ही तैयार किया है। इस ग्रुप को बनाने का मकसद सिर्फ एक ही रहा है, व्लादिमीर पुतिन के ऑर्डर को जमीन पर लागू कराना, फिर चाहे उसके लिए लोगों का खून ही क्यों ना बहाना पड़े। अभी तक वैगनर ग्रुप पूरी तरह से रूस की सरकार के इशारे पर चलता आया है। इस ग्रुप के ज्यादातर लड़ाके रूस की सेना से रिटायर हो चुके फौजी ही हैं। वैगनर ग्रुप का सबसे बड़ा बेस या कहें कि ट्रेनिंग सेंटर पश्चिमी रूस के मॉकिन में है। मॉकिन में रूस का मिलिट्री बेस है और उसके काफी करीब वैगनर बेस है। रूस का मॉकिन क्राइमिया से भी नजदीक है और यूक्रेन से भी। क्राइमिया पर रूस ने जब कब्जा जमाया था उस जंग में भी वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने खूब खून खराबा किया था।
वैगनर ग्रुप खूंखार सेंटर की एक ऐसी फौज है जो नियम कायम नहीं बल्कि सिर्फ पैसे की भाषा समझती है। एक अनुमान के मुताबिक रूस का किराए का एक सैनिक 3 महीने में लगभग 10 लाख रूसी रूबल कमा लेता है, मतलब भारतीय रुपयों में 11.5 लाख रुपए से भी अधिक। यूक्रेन जंग में अब दावा किया जा रहा था कि जिस तरह पुतिन अपनी सेना के जनरलों की बजाय अपने 2 वफादारों की सलाह मान रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि रूस की सेना में बगावत हो सकती है। लेकिन अब नए दावे के सामने आने के बाद यूक्रेन युद्ध में रूस के कैंप में कई पावर सेंटर बन जाने की दलील सामने आने लगी है। रूस की सेना एक फ्रंट पर खून बहा रही है, वहीं दूसरे मोर्चे पर यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने का जिम्मा रमजान कादिरव के खूंखार लड़ाकों ने संभाल रखा है और वैगनर ग्रुप तबाही का एपिसेंटर बना हुआ है। लेकिन अगर रूस के खेमे में कई पावर सेंटर बनने की बात सही साबित हुई तो इसका सीधा मतलब होगा पुतिन के प्रभाव में कमी, जो पुतिन और उनके इनर सर्किल के लिए बुरी खबर साबित होगी। वाराणसी से आज से शुरू हुआ दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का